हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई वेयर माय साड़ी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हो, आपको पेटीकोट में कंफर्टेबल नहीं लगता है साड़ी वेयर करना, तो आप इस तरीके के टाइट फिटेड पैंट्स पहन सकते हो, या तो फिर शेप वेयर भी आप पहन सकते हो। मैं शेप वेयर के लिंक्स दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आपको जो भी हील वगैरह वेयर करना हो, वो आप पहले से ही पहन के रख लो, उससे साड़ी के लेंथ का पता चल जाएगा। तो आपको इस तरीके से पूरी साड़ी खोल लेनी है। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड से आपको कमर से टक करते हुए एक राउंड पूरा लेना है, और टक बहुत अच्छे से करना है जिससे कि वो साड़ी अच्छे से टिकी रहे। मेन जो आपका बेस होता है वो टकिंग। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, मैं अच्छे से टक करती जाऊंगी और साड़ी को खींचते खींचते टक करूंगी जिससे कि शेप बहुत अच्छे से आए। सो इस तरीके से टक करते हुए मैं सेम जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं तक ले आऊँगी। एंड उसको अच्छे से टाइटली फिर से खींचूँगी। आप देख सकते हो यहाँ से मैंने राइट साइड से उसको खींच के एकदम अच्छे से टक कर लिया है। इससे क्या होगा कि हमारी साड़ी का जो शेप है ना, वो बहुत अच्छे से आएगा और लूज़ लूज़ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। सो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं पल्लू कैसे बनाती हूँ। आप चाहो तो पहले प्लीट्स बना लो नीचे वाला, या तो फिर आप पल्लू पहले बना लो, बट मैं यहाँ पे पहले पल्लू बनाती हूँ। तो मैं साड़ी का स्टार्टिंग वाला सिरा लूँगी। ये बहुत ज़्यादा हल्की साड़ी है, तो अगर आप बिगनर्स हो तो इस टाइप की साड़ी वेयर कर सकते हो, सिफॉन की या एकदम लाइट फैब्रिक की आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे पैंट के साथ। मैं यहाँ पे आपको पैंट में दिखा रही हूँ। आप चाहो तो डिफरेंट कलर के शेप वेयर आते हैं, न्यूड कलर के भी शेप वेयर आते हैं, उसके साथ आप पेयर कर मतलब पहन सकते हो साड़ी। तो मैं यहाँ पे पल्लू लूँगी और इस तरीके से प्लीट्स करके आपको बस ये देखना है कि बॉर्डर किस साइड में है, सीधा उल्टा आपको समझ में आ जाएगा साड़ी। तो मैं सबसे पहले प्लीट्स करूँगी, तो सबसे जो फर्स्ट वाली प्लीट होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, उसके जो बाद वाली प्लीट्स हैं छोटी छोटी करूँगी। मुझे भी ज़्यादा साड़ी वेयर करना नहीं आता है, मैं बहुत रेयर केस में ही पहनती हूँ, बट मैं जब वेयर करती हूँ तो इसी टाइप से पहनती हूँ। एंड इस टाइप के ट्रिक्स आप अगर फॉलो करोगे तो एटलीस्ट 2 to 3 hours तक आपकी साड़ी टिक सकती है। इवन आप पूरे दिन भी पहन सकते हो, मैंने कभी पहना नहीं है, बट अगर आप पहनते हो पूरे दिन इस टाइप से वेयर करके, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पे मैं प्लीट्स में अपने सेफ्टी पिन लगा दूंगी। अगर आप बिगनर्स हो तो ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करना। इससे क्या होगा कि आपके प्लीट्स प्लेट्स जो होंगे वो इन प्लेस रहेंगे, एंड आपको अरेंज करने में हेल्प होगी। तो आपको इस तरीके से अरेंज करते करते अपने कंधे पे ले जाके प्लीट्स को सारे रखना है, जिससे कि आप कंधे पे सेफ्टी पिन लगा सको, यानी कि आपके पल्लू में सेफ्टी पिन लगा सको। और आप इस तरीके से अपना पल्लू झड़क झड़क के आपको सेट करना है, जिससे कि कोई भी प्लीट्स ना छूटे। अगर कोई भी प्लीट्स छूट जाएगी तो फिर वो ख़राब हो जाता है पल्लू। एंड ये बहुत ज़्यादा हल्की साड़ी है, तो ईजिली इसमें प्लीट्स बन जा रहे हैं। अगर यही पे कॉटन होता या सिल्क की साड़ी होती तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होता। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बिगनर्स हो तो अगर अपने से ट्राई करना चाहते हो साड़ी, तो आप इस तरीके के हल्के फैब्रिक की साड़ी ही वेयर करना स्टार्ट करो, और सिल्क वगैरह की साड़ी आप किसी से हेल्प ले सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्लीट्स मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगी, क्योंकि अगर आपकी प्लीट्स एक बार बन गई, आपका पल्लू एक बार बन गया, एंड लेंथ भी आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे मैं घुटने के नीचे तक लेंथ ले रही हूँ, आपको जिस तरीके से लेंथ लेना हो ले सकते हो। अगर आपको पल्लू सर पर रखना है तो आप बड़ी मतलब बड़ा पल्लू भी ले सकते हो। सो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन लगा लूँगी अपना मेजरमेंट करने के बाद। एंड सेफ्टी पिन आपको हमेशा ब्लाउज़ के पीछे, यानी कि आपको पीठ के साइड में लगाना है, आपको आगे कभी नहीं लगाना है, नहीं तो वो आगे के साइड में झुक जाता है पल्लू। सो एज़ यू कैन सी, मैं अपने पीछे के साइड में लगा रही हूँ। एंड आप ट्राई करो कि आप कलरफुल जो सेफ्टी पिन होते हैं वो यूज़ करो, तो अगर आपका सेफ्टी पिन दिखे भी तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा और अच्छा भी लगेगा आपके साड़ी के साथ, लाइक ब्रोचेस की तरह दिखेगा। सो इस तरीके से मैं पिन कर लूँगी अपनी साड़ी को। और ये वाला ब्लाउज़ का फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है, तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। सो ये आप देख लो और केयरफुली लगाओ कि आपके हाथ में ना लग जाए। सो अब मैं पल्लू को राइट साइड से खींचते हुए उसको लेफ्ट साइड से लेके आऊँगी,
यहाँ पे, एंड ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेप में लाने के लिए आपकी साड़ी को। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से जहाँ से आपका यू नो कमर आपकी दिखती है, वहाँ पे आप इस तरीके से टक कर सकते हो। टाइटली आपको खींचना है साड़ी को और आपको नावल के नीचे, अपने नावल के नीचे ही टक कर देना है अच्छे से। उसके बाद आपको प्लीट्स बना देना है। प्लीट्स बनाने का ये वियर ट्रिक ज़रूर ट्राई करना अब अगर आपको जनरल वाला प्लीट्स बनाना नहीं आता है तो। सो गाइज यहाँ पे मेरी प्लीट्स बहुत ज़्यादा ईजिली बन गई क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा ईजी और मतलब हल्का है। अगर यहीं पे कोई और फैब्रिक होता तो शायद इतनी जल्दी नहीं बन पाता। सो मैं यहाँ पे प्लीट्स को वन बाय वन अलग कर लूँगी एंड उसको सेपरेट करती जाऊँगी जिससे कि कोई भी प्लीट्स छूटे ना, उसको अच्छे से मैं अरेंज कर लूँगी। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो प्लीट है वो परफेक्टली होना चाहिए और शेप में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टक कर लूँगी। आपको हमेशा अपनी नाभि के नीचे ही टक करना है और टक करने के बाद आपको नीचे से अरेंज कर लेना है उसको जिससे कि वो फूला फूला ना लगे। एंड आपको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेना है एंड अंदर से भी आपको एक सेफ्टी पिन लगा देना है जिससे कि आप दिन भर कोई भी काम करो अगर साड़ी पहन के तो आपका प्लीट जो है वो ओपन ना हो और साड़ी खुलने का डर बिल्कुल भी ना हो। अब आपको ये एक स्टेप करना है, आपको अंदर से जो आपने लेफ्ट हैंड साइड से टक किया था उसको और अच्छे से खींच के अंदर पिनअप कर लेना है। एंड नाउ यू कैन सी कितना अच्छा शेप आया है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ से मेरी कमर खुली हुई है। जिस टाइप से मेरी कमर ढकी हुई है उस साइज में, उस साइड में भी शेप बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है। इस फैब्रिक की अगर आप साड़ी वेयर करते हो ना तो आपका जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से आएगा। एंड यहाँ से मैं पीछे से, अगर आप चाहो तो इसको इसी तरीके से पल्लू छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसको खींचते हुए टाइट कर लूँगी जिससे कि ये और अच्छे से टाइट फिटेड हो जाए। एंड या गाइज इस तरीके से मेरा साड़ी वो है कंप्लीट हो गया है, मैंने पूरा साड़ी पहन लिया है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये मेथड। मैं एग्जैक्टली इसी तरीके से पहनती हूँ साड़ी। अगर आपको थोड़ी सी कुछ कमी वगैरह दिख रही होगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर अप्लाई करूँगी उस तरीके से। एंड आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरा लुक कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।